हेलो एवरीवन, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक सिंपल प्लांट सेल और इनर सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, और बहुत बेसिक से एडवांस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते रहते हैं प्लांट और इनर सेल के बीच में, उन सारे कंपेयर्स को आज के वीडियो में देखेंगे क्योंकि रिविजन सीरीज के अंतर्गत। तो आप जानते हैं प्लांट सेल क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, सेल वॉल रखती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता रहता है। आप यहाँ टिपिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देख सकते हैं और आप यहाँ समझ सकते हैं प्लांट सेल के अंदर बेसिकली क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती रहती है। वहाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल बेसिकली क्या होती है, फोटोसिंथेटिक इन नेचर की होती है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनके पास सेंट्रोसोम्स एब्सेंट रहता है, लाइसोसोम्स बेसिकली एब्सेंट रहता है। वहीं एनिमल सेल्स के अंदर आप देखते हो जनरली क्या होता है, नो सेल वॉल पाई जाती रहती है, स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते रहते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है। ये हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। वहीं पे इनके पास सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट पाए जाते रहते हैं, जनरली लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो आप एक टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख सकते हैं, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल सेल वॉल पाई जाती रहती है, वहीं यहाँ पे सेंट्रोसोम्स पाया जाता रहता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देखेंगे। तो सिंपली अगर कंपेयर की मैं बात करूँ तो प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल्स पाई जाती रहती है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड होता है। और फ्लैजेला अगर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो जनरली गैमेट्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर बेसिकली सेल वॉल एब्सेंट होती है, यही कारण है उसका एक रिजिड शेप नहीं होता है ये, और प्लांट सेल का एक रिजिड शेप होता है। स्मॉल और या वैक्यूल्स एब्सेंट पाई जाती रहती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड होता है। फ्लैजेला यहाँ जनरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दोनों के बीच कॉमन की बात करें तो प्लांट और एनिमल दोनों माइटोकांड्रिया पाए जाते रहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी से कहा जाता है, गॉल्जी एपरेटस पाया जाता है, रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते रहते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता रहता है, न्यूक्लियस के चार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता रहता है। दोनों के अंदर क्या होता है, लीनियर डीएनए पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता रहता है और एटीएस राइबोसोम्स पाया जाता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट और एनिमल में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली देखते हैं प्लांट सेल यूजुअली क्या होती है, लार्जर देन एनिमल सेल होती है। एनिमल सेल यूजुअली क्या है, स्मॉलर देन प्लांट सेल होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, सेल वॉल एब्सेंट पाई जाती रहती है। और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच होती है, कंसिस्ट ऑफ मिडिल लैमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स पाए जाते रहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा वेरी मच इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर के होते रहते हैं, दिस आर द ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, याद रखिएगा, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, हेटरोट्रॉपिक नेचर का होता है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और ये लार्जर होती है, या वैक्यूल स्मॉल होती है, टेम्पररी होती है। यही कारण है कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जनरली क्या होता है, शिफ्ट रहता है। यहाँ पे टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, और अराउंड द वैक्यूल यहाँ टोनोप्लास्ट एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ द लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट होते हैं उनके मोटाइल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल बेसिकली एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेल डिवीजन के अंदर आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सेल, बेसिकली यहाँ पे लार्ज वैक्यूल पाई जाती रहती है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ का न्यूक्लियस क्या होता है, पेरिफेरी के अंदर शिफ्ट रहता है, बेसिकली सेंटर में नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पे यहाँ सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे लार्ज वैक्यूल नहीं पाती है। लाइसोसोम बेसिकली यहाँ रेयर होता है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल के सेल हमेशा प्रेजेंट होता रहता है। स्टोरेज मटेरियल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन होता है, यहाँ स्टोरेज मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल पाया जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि एक प्लांट सेल के बीच में, एक एनिमल सेल के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है। एक प्लांट सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल आपका है और ये एनिमल सेल होता है। तो ये हमने क्योंकि रिविजन सीरीज के अंदर प्लांट और एनिमल सेल के कुछ बेसिक डिफरेंसेज जो बाबा के एग्जाम में पूछते हैं लेके आया हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।